हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो अभी मैं आ चुका हूँ दुकान पे और अभी हम जो है कि बैठेंगे दुकान में, देखते हैं क्या सिस्टम है। पापा तो जा रखे हैं अभी, तो सारा काम अभी हमें ही संभालना है। दिन के अभी सुबह खाया चाय बिस्कुट, सुबह जिम के लिए उठ गया था पर गया नहीं मैं। और बाकी कल बहुत बढ़िया एक व्लॉग आएगा, बड़ा इन्जॉयमेंट की कोशिश करेंगे हम पूरी कराने की। तो अभी का सीन ऐसा है, अभी दुकान बैठता हूँ, देखता हूँ क्या सिस्टम है तब बताता हूँ। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं घर, टॉयलेट आ रही थी तो इधर टॉयलेट तक जा रहा हूँ, पब्लिक टॉयलेट तक। उसके बाद यहाँ से लेंगे हम मोमोज, मतलब यहाँ से मतलब होटल से। और उसके बाद आज हमने पराठा और दाल मखनी का ऑर्डर करवा रखा है होटल में, तो वो भी चलते हैं घर, तब मिलते हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं आप क्वालिटी जोड़ता हूँ, मैं आपको मोमोज दिखाता हूँ। तो आज फिर से चीट डे, सो अभी इंजॉय करते हैं घर जाके अपन खाना वाना, और मिलते हैं डायरेक्ट। तो गाइस ये है हमारी चटनी और ये हमारे मोमोज, इसको एंजॉय करते हैं। सो गाइस अभी आ चुका हूँ मैं नन्नू की दुकान में, और आज अभी भी आया है यहाँ, ये दिन में आया है, 1 बजे पहुँचा है मेरठ से। और ये हमारा नन्नू। हेलो गाइस, सो गाइस आज सुबह से धूप बारिश यही सब चल रहा है। तो अभी का सीन ऐसा है, अभी हम यहाँ बैठे हैं, थोड़ा कल की प्लानिंग करते हैं हम, कल हमें क्या करना है, कैसे जाना है, क्योंकि जाने की हमारी बहुत बड़ी समस्या रहती है हमेशा। वैसे सब पे गाड़ियाँ हैं लेकिन जब जाते हैं तो किसी की गाड़ी बाहर नहीं आती, किसी गाड़ी खुश जाता है। तो मिलते हैं एक मिनट। सो गाइस कभी कभी आपने दुनिया में देखा होगा कि कई लोगों के अंदर सॉरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है, मतलब अगर उनको एक बार एक जगह से धक्के देके बाहर निकाल दिया और फिर से आ जाते हैं तो उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। फिर अंदर तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट अपने अंदर लाएं और अपने आसपास वालों को भी बोलें कि अंदर लाएं। दूसरी चीज़, आज मौसम सुबह ही एकदम कटक, एकदम धूप की चटक, उसके बाद बारिश होने लगी, और उसके बाद फिर धूप बारिश होने के साथ होने लगी। और यहाँ पर लोग ऐसे कहते हैं सियार की शादी होती है जब धूप और बारिश आती है, चलना सियार की ओर तो अलग ही है यार, जब धूप और बारिश आती है जिसकी भी होती है। बहरहाल चार टेंट हाउस नहीं काम होते। तो भाई जब हम दुकान पर बैठे हैं थोड़ी देर में हम देखते हैं करें क्या, मिलते हैं आइए। सो दोस्तों अभी एकदम धूप आ गई है और ये जा रहा अभी, और अभी धूप आ चुकी है और अभी इतनी तेज बारिश हुई है, पूरी सड़क भी थी आप देख सकते हैं, आज पता नहीं क्या हो गया है। सो गाइस मैं घर आ चुका हूँ और मैं अभी देख रहा हूँ हर्ष बेनीवाल की नई वीडियो आई है जब बिग बॉस वाली, आप भी देखें बहुत ही बढ़िया बनाई हुई है। सो अभी बज रहे हैं 5:30, थोड़ी देर में कुछ खाते पीते हैं उसके बाद चलते हैं जिम। तो अभी थोड़ा मैं वीडियो वगैरह देखता हूँ, आप भी जरूर से देखें। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस अब मैं जिम जा रहा हूँ और बारिश देखो आ रही है। सो बारिश हो रही है आज, और अभी जिम में जाएंगे, चेस्ट और ट्राइसेप्स का वर्कआउट करते हैं। डाइट हमने कुछ ली नहीं, सोच रहे थे कुछ खाएं, फिर ऑप्शन में हमारे पास डेली की तरह मैगी अवेलेबल थी तो हमने खाई नहीं, और अभी चलते हैं जिम, वहाँ मिलते हैं डायरेक्ट आपको, बारिश में जाना पड़ेगा। सो गाइस हम जिम पहुँच चुके हैं और अब हम, वैसे हमारा मन तो होने लगा वर्कआउट करने का, तो हम देखते हैं करते हैं कि नहीं, वैसे तो करना ही पड़ेगा क्योंकि बारिश में हम जिम आए हैं, तो करते हैं वर्कआउट और मिलते हैं आपको। सो गाइस हम लोग ने वर्कआउट ख़त्म करके आ चुके हैं, अब मोमोज खाने, थोड़ा सा बहुत मन कर रहा था इन लोगों का, तो अब आ चुके हैं हम लोग मोमोज खाने, थोड़ा मोमोज खाते हैं उसके बाद घर जाके अपना नॉर्मल खाना खाएंगे, तो मिलते हैं आपसे। सो गाइस 3 प्लेट मोमो अकेला खा गया है। तो गाइस ये हमारी पत्थर वाली कुतिया है और हम इसको दूध दे रहे हैं बिकॉज बारिश में इनको खाना वाना मिलता है नहीं प्रॉपर। सो दोस्तों मैं घर आ चुका हूँ और बारिश हो गई थी अचानक तेज, आज दिन भर पता नहीं क्या हो रहा था, कभी बारिश कभी धूप कभी बारिश, तो यही सब चल रहा था। तो जब इतनी बारिश वगैरह होती है तो हमारे बेजुबान कहाँ जाते हैं, वो एक छोटी सी छाव ढूंढते हैं, कोई शेल्टर ढूंढते हैं जहाँ वो रह सकें। लेकिन इतने लोग हैं यहाँ पर ख़राब, मतलब जो भी हैं वो भगा देते हैं उन्हें। तो जो इंसान होता है ना वो जैसा खुद होता है वो वैसे ही दूसरों को समझता है, तो कोई टॉक्सिक है तो वो दूसरे को भी वैसे ही समझेगा, इवन वो कितना ही उसको समझा बुझा ले, लेकिन आदमी की फितरत भी कभी बदलती नहीं है। वो 4 दिन ठीक रहेगा, 6 दिन 8 दिन 1 महीना जितना भी, लास्ट में वो अपनी दिखाई गई, क्योंकि फितरत कभी नहीं बदलती इंसान की। तो मैं देखता हूँ ये सब, जब बारिश में बेचारे बेजुबान ऐसे रह जाते हैं, तो मैं जिस दिन इस काबिल हो जाऊंगा, चाहे मैं 1, 10, 100 जितने भी बेजुबानों को शेल्टर दूं मैं दे पाऊँ, मतलब अपना पूरा बेस्ट करूंगा। बाकी आप सबसे भी यही अनुरोध है मेरा कि आप भी इस चीज़ को थोड़ा समझें और करें आगे,
सो आज के ब्लॉग में इतना ही, कल के ब्लॉग हम थोड़ा बढ़िया बनाएंगे क्योंकि कल हमें जाना है दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करने। तो मिलते हैं सीधे आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।